Yoddha Garud. मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप जैसे महान ऋषि और इतने सारे शिष्यगणों की सेवा का अवसर मुझे मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहां पधारे। ये सब शिव शंभू की कृपा से ही होता है। महर्षि, मेरे चरण धोने से पहले यदि आप भीतर प्रवेश कर गए तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। दीदी, करूर जानबूझकर चरण पखारने का ये कार्य धीरे धीरे कर रहा है ताकि हमें तैयारियां करने के लिए अधिक से अधिक समय मिल सके। हमें कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करने होंगे। सबसे पहले कुशा के आसनों का प्रबंध करना होगा ताकि महर्षि और उनके शिष्य विराज सके। कौन करेगा ये कार्य? सेवक और स्वामी में कोई भेद नहीं रहेगा कार्य। चल जी भैया। यहाँ तो इतनी सारी चीटियां हैं। यदि ये चीटियां महर्षि और उनके शिष्यों के सामने आ गई तो मुझे यहाँ चारों ओर रंगोली से सीमा रेखा बनानी होगी ताकि ये चीटियां भोजन के आसपास ना जा पाए। जितनी शीघ्रता तुम कर रही हो उतनी शीघ्रता में कोई ना कोई भूल तुमसे अवश्य होगी। तुमसे और वो एक भूल तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देगी। आइए महर्षि, आप सभी बता दिए। इतनी शीघ्र इतनी बड़ी रंगोली बन गई? एक साथ इतने आसनों का प्रबंध कैसे हुआ? तो इन दोनों ने एक साथ रंगोली बनाई है। वाह शिव शंभु, संकट के समय आपने इन दोनों बहनों को एक साथ लाकर ये सिद्ध कर दिया है कि आपके सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं। करुण, शीघ्र जाओ और सबके लिए फल और कंदली के पत्ते लेकर आ। तब तक मैं कदरू दीदी के साथ मिलकर भोजन की तैयारी करती हूँ। जी। और थोड़ा और। जिस क्रोध की आंधी की आशंका थी वो शीतल व्यार में बदल गई। महर्षि और इनके एक सहस्त्र शिष्य को भोजन कराने में हम सफल रहे। ये असंभव कार्य केवल अन्नपूर्णा माँ की कृपा से ही संभव हो पाया। अन्नपूर्णा अब स्वयं आई और हमारे बनाए भोजन को अपना आशीर्वाद दिया। आपकी सदा ही जय हो।
बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, आनंद आ गया। आपने यहाँ पधारकर हमारे व्रत को सफल बना दिया महर्षि। आज तुमने मेरी और मेरे शिष्यों की सेवा की, इससे मैं बहुत प्रसन्न हो गया कद्रू। शिव शंभु ने चाह तो तुम्हारे पुत्रों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही होगा। तुम दोनों में अपार संभावना है, शंभू की कृपा से तुम अपने योग्यता के सबसे ऊंचे शिखर को प्राप्त करो। इतने शक्तिशाली बनो कि संसार तुम्हें सदा स्मरण रखे। तेरे मन में मुझे एक ही इच्छा दिखाई दे रही है बालक, बहुत शीघ्र ही तू उसे पूर्ण करने का मार्ग खोज पाएगा। बस आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहे महर्षि। मुझे आमंत्रित करने के पीछे भले ही तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं थी, पर मुझे तुम्हारे कारण ऐसा भोजन करने का सौभाग्य मिला जिसे स्वयं मां अन्नपूर्णा का वरदान मिला था। ऐसे महाभोग के बाद क्रोध का शमन हो जाता है और मन परम शांत हो जाता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें कोई श्राप नहीं दूंगा, पर एक चेतावनी अवश्य दूंगा। जो व्यक्ति जैसा बोता है वही पाता है, इसीलिए अपने कर्म संभालो दीति। तुम्हारा आत्मविश्वास चरम पर है क्योंकि तुम्हारे पुत्रों को संजीवनी विद्या प्राप्त है, पर स्मरण रहे अमर होने के उपाय और भी है। आज तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, यदि एक मां चाहे तो असंभव को भी संभव बना सकती है। और अदिति कब से तपस्या कर रही है और शीघ्र ही उसे उसकी तपस्या का फल मिलेगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.